मैं निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निवे की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ वनीला कस्टर्ड केक। इतना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है, आपको देखकर लग रहा होगा कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पर यकीन मानिए, इससे आसान तरीका कोई और नहीं हो सकता केक बनाने का। बिना ओवन के आज हमने ये केक बनाया है, तो आइए सीख लेते हैं कैसे बनाना है। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच तेल, यानी कि 4 टीस्पून ऑयल। चम्मच का साइज आप देख सकते हैं, इसी चम्मच से मैंने 4 चम्मच तेल डाला है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कटोरी शक्कर। कटोरी का साइज आप देख सकते हैं, नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। शक्कर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। शक्कर को ऑयल में अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी मैदा। जिस कटोरी से मैंने 1/2 कटोरी शक्कर डाली थी, उसी कटोरी को फुल भरकर मैंने 1 कटोरी मैदा डाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। आपके घर में जो भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है आप डाल सकते हैं, मैंने वेनिला फ्लेवर का डाला है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटे चम्मच सोडा। सोडा डालने के बाद 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है। ये 10 रुपये का पैकेट है जो मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। लगभग 1/2 कटोरी होगा ये। सब चीज़ें हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये वही कटोरी है, मेजरमेंट हम 1 ही कटोरी से करेंगे, आप भी ध्यान रखिए मेजरमेंट का। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम बैटर को अच्छे से मिला लेंगे। याद रखिए, एक साथ पूरा दूध मत डालिए, धीरे धीरे डालिए और बैटर को अच्छे से मिलाते जाइए, और बैटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाइए, तभी हमारा केक बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो 1 कटोरी पूरा दूध मैंने बैटर में डाल दिया है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, हमें सिर्फ बैटर को इतने अच्छे से मिलाना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। लगातार 4 से 5 मिनट हम इसे मिलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा बनकर रेडी है और बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम इसे केक टिन में डालेंगे। केक टिन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का या स्टील का कोई बर्तन हो गोल, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि स्टील के बर्तन में केक सही नहीं बनेगा, पर ऐसा नहीं है। आज मैं आपको स्टील के बर्तन में ही बनाकर बताऊंगी। इसमें मैंने बिछा दिया है बटर पेपर। अब इसमें ऑयल डालकर पूरे में ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, और उसके बाद बैटर को हम इसमें डाल देंगे। और आज हम ये केक बिना ओवन के बनाएंगे। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप केक नहीं बना सकते हैं। आप आसानी से बिना ओवन के केक बना सकते हैं। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बड़ी तबेली हो, बर्तन हो, उसमें भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ एल्यूमिनियम की तबेली में। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और एक स्टैंड रख दिया है, और इसको अब हम प्री हीट होने देंगे 10 मिनट के लिए। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हम केक को इसमें रख देंगे एकदम सेंटर में, और करीब 40 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि केक कैसा बना है। तो लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से केक फूला है और कितना बढ़िया कलर आया है इसका। टूथपिक से अब हम चेक करेंगे एकदम सेंटर में डालकर। तो केक हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद हम केक को निकालेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे निकाल सकते हैं। चाकू को किनारे से चला देंगे जिससे इसे निकालने में आसानी हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर टेक्सचर आया है केक का। कलर के 2 शेड्स भी हैं, येलो और ब्राउन। बटर पेपर को हम आराम से निकाल देंगे केक से। केक मुझे मेरा दिखने में थोड़ा सिंपल सा लग रहा था, तो मुझे इसको जल्दी में डेकोरेट करना था। तो मैंने यहाँ पर एक चॉकलेट ली है पर्क, और उसको एक छोटी किसनी से किसकर इस तरह से डाल दिया है। आप चाहें तो इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने तरीके से, चाहे तो आप क्रीम भी बना सकते हैं, पर अगर आपको जल्दी में डेकोरेट करना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, अब हम इसको काट कर बताएंगे कि अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है, और जितना दिखने में सुंदर है उतना खाने में भी टेस्टी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
काटने से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कितना सुपर सॉफ्ट केक बना है हमारा। अंदर से भी बहुत ही सुंदर टेक्सचर आया है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह की रेसिपीज़ हमेशा लाते रहते हैं। तो जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।